हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आजाद नेचुरल फिटनेस में। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक्सरसाइज को लेकर। कुछ सिंपल बातें, देखिए मैं नेचुरल बंदा हूं, नेचुरल चीजें फॉलो करता हूं, तो मेरा भी द वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एक्सरसाइज आल्सो इन अ नेचुरल वे। अब मैं आपके साथ जो बातें बताने शेयर करने वाला हूं उनमें ये है कि जैसे आपको पता है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, फास्ट है, तो इट मींस योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज गुड, यू फील एनर्जेटिक, यू फील पावरफुल, यू फील स्ट्रांग, यू फील मोर एक्टिव, मोर एनर्जेटिक, यू नो द मोर वे द फील यू मोर पॉजिटिव। आपको हर तरह काम करने में आपको इच्छा होगी, आपका मन करेगा, आपकी लाइफ में एक अलग एक बदलाव नजर आता है। उसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को भी इंक्लूड कर देते हैं तो इट विल डेफिनेटली इनहेंस योर मेटाबॉलिज्म। सो योर मेटाबॉलिज्म विल बी मोर फास्टर, मोर गुड, इट मींस एवरीथिंग इज मोर बेटर, मोर गुड। द मोर द इफ यू ऐड योर यू कैन से 30 मिनट्स 45 मिनट्स की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर अपनी लाइफ में आप ऐड करते हैं इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग व्हेनेवर यू हैव अ टाइम और एनी डे फॉर दैट मैटर एनी टाइम यू कैन डू इट, तो अगर ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म वहाँ फास्ट होगा और फॉर श्योर आपको रिजल्ट भी बेहतर मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा है कि आपको जिम में जाना है तो ही आप एक्टिव रह सकते हैं, आप बेहतर बन सकते हैं, आप हेल्दी हो सकते हैं और जब आपकी मसल्स दिखेंगी तभी आपको कुछ अलग बदलाव नजर आएगा और तभी आप कह सकते हो कि यार ही इज अ फिट, ही इज अ गुड, ही इज वेरी मच एक्टिव। नो, मैं ऐसा आपको नहीं कह रहा हूं। दोस्तों, थोड़ा सा डीपर लेवल में जाकर आप समझेंगे अबाउट एक्सरसाइज, तो खाली जिम ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज जो आप कर सकते हैं आउटडोर, और उनसे भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आपके लाइफ में बदलाव आ सकता है, चार चांद आपकी जिंदगी में लग सकते हैं। सिंपल चीजें देखिए, आपको सीढ़ियों से चलना है, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है, अपनी गाड़ी को अपनी वॉकिंग अपने आधा घंटा रनिंग करना है, वॉकिंग करनी है, टाइम है तो रनिंग नहीं करना चाहते आप जॉगिंग कीजिए, जॉगिंग नहीं करना चाहते आप वॉकिंग कीजिए, आप ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, आप भी ऐसी एक्टिविटी अपने अंदर अपनी फिजिकल अपनी डेली रूटीन में ऐड कीजिए ताकि आपका मूवमेंट हो, आपकी बॉडी मूव करे। द मोर यू मूव द मोर बेटर इट इज फॉर यू। तो मैंने कहा द मोर यू मूव द मोर बेटर इट इज फॉर यू। बॉडी मूवमेंट इज ऑल्सो एक्सरसाइज, यू आर मूविंग योर हैंड, यू डूइंग समथिंग, दिस इज ऑल्सो एक्सरसाइज इन सम हाउ, राइट? सो डू योर रेगुलर वर्क, दैट इज ऑल्सो यूर डूइंग एक्सरसाइज, बिकॉज वट हैपन्स, आपको पता है कि आप अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं, इवन आपको कोई रेसिस्टेंट ट्रेनिंग आप नहीं कर रहे हो फिर भी आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो, आपको पता है अगर आप जिम कर रहे हो तो हाँ तो ज़्यादा भूख लगती है। जी हाँ, सही है, ठीक। अगर इसी तरह देखो, अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो भी आप खाना खाते हो ना, तो आप खाना क्यों खा रहे हो? आपको भूख लग रही तभी खा रहे हो, राइट? तो आपको भूख लग रही इन द सेंस आपकी बॉडी आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, आप यूटिलाइज कर रहे हो एनर्जी को, पावर को, स्ट्रेंथ को, तो आपको इसलिए भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हो, तो इन द सेंस द बॉडी मूवमेंट इज इटसेल्फ इज एन एक्सरसाइज। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे दिन में हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहते हैं, क्यों? क्योंकि हम पूरे दिन हमारी बॉडी को मूव करते हैं। यस, ऑफकोर्स वी आर मूविंग अवर बॉडी, जो मूवमेंट है वही एक्सरसाइज है। मेरा एक्सरसाइज के टॉपिक के ऊपर ये कहना था, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हजारों लाखों मिलियंस ऑफ वीडियोस आर देयर, और आप देख सकते हैं एक्सरसाइज, बट आपको कोई ये नहीं कहेगा कि यू मूव योर बॉडी, दिस इज ऑल्सो एक्सरसाइज, राइट? मूविंग इटसेल्फ इज एन एक्सरसाइज। तो आप एक्सरसाइज करते रहें, अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाते रहें, अपनी लाइफ को एक चेंज, एक बदलाव देते रहें और रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे, बेनिफिट्स आपको, रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे, आपके लाइफ में बदलाव आता रहेगा। मेरी आप सबके लिए यही शुभकामनाएं हैं और मैं विश करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने लाइफ को और अच्छे से, बेहतर से, एनर्जी के साथ जियेंगे और पता लगेगा कि आपको आपके पास क्या है। जब हम ये जान जाएंगे हमारे पास क्या है ऑलरेडी, ये फीलिंग आपको ब्लिसफुल फीलिंग, ऐसी ब्लिसफुल फीलिंग मिलेगी, आप मेरी आंखों में देख सकते हैं, ऐसी ब्लिसफुल फीलिंग मिलेगी कि आपका जो कनेक्शन है अनबिलीवेबल,
अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल नमस्कार।